गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक फाइव जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर तो कहते हैं जो कंप्यूटर है वो इन्वॉल्व हुए। पहले हमारे पास लार्ज साइज्ड कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, मशीन्स थी, धीरे धीरे क्या स्मॉल होती गई और कितनी ही पावरफुल होती गई। जो एवोल्यूशन है कंप्यूटर का वो कहता है डिफाइन करता है कैसे कैसे, कहता है हमने उसको जनरेशन में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो कहता है एवोल्यूशन के साथ साथ उसकी करंट स्टेट क्या है उसको हमने डिफाइन कर दिया एज ए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कहता है हर जनरेशन में जो कंप्यूटर का डिज़ाइन था वो न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। कहता रिजल्ट बेटर आने लगे, रेट चीपर होने लगे, साइज क्या था स्मॉल होता गया। तो कहता दे आर मोर पावरफुल, एफिशेंट एंड फास्टर देन अदर प्रीडेसर्स। कहते जो उनके पीछे वाले थे उनसे कहते ज़्यादा पावरफुल भी थे, फास्टर भी थे और एफिशिएंसी से काम करते थे। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर तो कहते करंटली देयर आर फाइव जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो कहते उनके आगे क्या है, सब सेक्शन है जिनमें हम डिफाइन करते हैं उनमें कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, हार्डवेयर कौन सा था, सॉफ्टवेयर कौन सा था उस टाइम। कहता हर एक जनरेशन की स्पीड क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी पर सेकंड में एग्जीक्यूट करता था, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी, उनकी एप्लीकेशन क्या थी। तो हम फाइव जनरेशन में ये उनके फीचर्स रीड करेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कहता फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है, 1940 से 1956 तक चला था। एक आपको साइड पे पिक्चर दिखाई दे रही है वो क्या है, वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो यूज़ की गई थी वो क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स थी। कहते ये क्या है, सील्ड ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर क्या है, वैक्यूम है जिसके थ्रू क्या है, फ्री पासेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट होता था, ठीक है। तो कहता ये क्या है, फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी के लिए यूज़ किया गया। तो कहता इसमें क्या है, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे इसके लिए जब ये कंप्यूटर इंस्टॉल किया जाता था तो पूरा एक रूम चाहिए होता था इंस्टॉल करने के लिए। तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर वो टोटली किस पे बेस्ड था, मशीन लेवल लैंग्वेज पे बेस्ड था। तो कहते ये एक्सपेंसिव भी थे, ऑपरेट करना भी इनको बहुत मुश्किल था, ठीक है। इनके लिए बहुत हाई हमें ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, लॉट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। तो कहते इनके क्या है, जो कॉजेज क्या थे इनके क्या है, ब्रेक डाउन होने का बहुत डर रहता था। तो यूनिवैक एंड इनैक कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में कहता क्या एडवांटेज हुई, कहते ये सिर्फ एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, फर्स्ट डिवाइस थी जिसमें क्या है, मेमोरी थी, ठीक है, हम कुछ स्टोर कर सकते हैं थे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, कहते इसका साइज़ बहुत बल्कि था, वैक्यूम ट्यूब जो थी वो जनरली क्या है, ब्रेक डाउन हो जाती थी, बर्न हो जाती थी, सड़ जाती थी। तो कहते इससे हीट प्रोड्यूस होती थी और मेंटेनेंस प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि बहुत मुश्किल था इसको मेंटेनेंस करना, क्योंकि ये कंप्यूटर क्या थे, एक बहुत बड़े कंप्यूटर थे जो एक रूम में अकेले इंस्टॉल होते थे। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन जो आई थी वो 1956 से 1963 तक चली। तो इसमें क्या है, वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या यूज़ किया गया, ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कहता हमने क्या है, बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू सिंबॉलिक में कन्वर्ट किया। अब क्या है, सिंबल्स भी यूज़ होने लगे थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से, ठीक है। तो हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहता है डेवलप की गई सेकंड जनरेशन के टाइम पे, कोबल एंड फोर्ट्रन। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर थे वो दैट स्टोर दी इंस्ट्रक्शंस इन देयर मेमोरी। कहते ये क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर थे जो क्या है, इंस्ट्रक्शन को कहता अपनी मेमोरी में स्टोर करते थे। इसके एडवांटेजेस क्या है, कहता अब क्या है, साइज रिड्यूस हो गया, फास्ट भी हो गए, मोर लायबल थे। तो कहता है इसमें थोड़ा कम ब्रेक डाउन का डर रहता था, बट कहता है इनकी अभी भी कहता है जो हीट प्रोड्यूस होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, ओवर हीटिंग थी और मेंटेनेंस प्रॉब्लम यहाँ पे भी थी। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971 तक थे। तो इसमें क्या है, कहता डेवलप किया गए थे, इसमें क्या यूज़ किया गया, कहता है इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। तो कहता है जो ट्रांजिस्टर्स थे उनकी जगह पे सिलिकॉन चिप आ गई, जिसको हम क्या है, माइक सेमी कंडक्टर भी कहते हैं। तो कहता इंस्टेड ऑफ कहता पंच कार्ड प्रिंट आउट
User interact with third generation computer through the keyboard, monitor, interfaced with operating system. तो कहता है यहाँ पे कहता है फर्स्टली क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, ठीक है। तो कहता है इसमें ट्रांजिस्टर की जगह क्या है, कहता सिलिकॉन चिप के ऊपर प्लेस किया गया, उनको ट्रांजिस्टर को मिनिमाइज किया गया, और उनको किसके ऊपर लगाया गया, सिलिकॉन चिप के ऊपर लगाया गया। तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर क्या है, एक ही सिलिकॉन चिप के ऊपर फिक्सअप किए गए, जिसको हमने सेमी कंडक्टर बोला। कहते पहले जितनी भी इनपुट होती थी वो किसके थ्रू होती थी, पंच कार्ड के थ्रू होती थी। अब क्या है, कहते थर्ड जनरेशन में कहते प्रिंटआउट्स भी आ गए, कीबोर्ड, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, जिनके थ्रू क्या है, यूज़र क्या है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता था। फर्स्ट टू में कहता हम क्या है, पंच कार्ड पे अपनी इनपुट देके जो कंप्यूटर ऑपरेटर को दे देते थे वो क्या है करता था, हमें नहीं इंट्रैक्शन होती थी, यूज़र की इंट्रैक्शन नहीं होती थी, सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर की इंट्रैक्शन होती थी। तो बट थर्ड जनरेशन में यूज़र की खुद इंट्रैक्शन होने लगी। तो कहता है ये जो थर्ड जनरेशन आई इसमें क्या आया, हम डिफरेंट एप्लीकेशंस कहता है एक ही टाइम पे रन कर पाते थे। तो मीन्स कि ये क्या है, मल्टी टास्किंग सिस्टम थे थर्ड जनरेशन वाले। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कहता जो इंटीग्रेटेड सर्किट कहता वेरी स्मॉल इन साइज थे, इम्प्रूव हुई हमारी परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो गई। कहता जो हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट थे वो क्या है, सोफिस्टिकेटेड थे। थैंक यू।